हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाएंगे ये गरम गरम गोभी के पराठे। ठंडियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम गरम गरम जो बनते हैं ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गोभी और उस गोभी के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टेस्टी टेस्टी और न्यू रेसिपीज़ के लिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट और अंदर से एकदम क्रंची क्रंची सी हमारी ये गोभी भरी हुई है। एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट बनाने के लिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ की गोभी। पूरी गोभी मैंने यूज़ की है अच्छी स्टफिंग के लिए। आप ज़्यादा गोभी यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी स्टफिंग आप देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया बारीक कटी हुई छोटी छोटी, दो हरी मिर्चें, और ये मैंने गोभी को अच्छे से धुल के इसे अच्छे से ग्रेड कर लिया है, मतलब अच्छे से इसे कद्दूकस कर लिया है। छोटे छोटे हो जाते हैं तो जब मुँह में आता है इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, मतलब कि डो बना लेते हैं आटे का। तो आपने क्या करना है, पूरे आटे को इसमें ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल आटा लिया था, लगभग इससे 5 से 6 पराठे बन जाएंगे। तो थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो इसमें। इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए 1 से 2 चम्मच ये ऑयल। तो बस अब हमारा आटा डो बनने के लिए एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। इस तरह से हम इसे बना लेंगे और ये हमारा डो बन करके हो गया एकदम रेडी। आटे को आपने बहुत ही हार्ड नहीं सानना है, सॉफ्ट सानना है। आप देख सकते हो इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। अब इसकी लोई बना लेते हैं। इस तरह से आपको छोटा सा एक आटे का टुकड़ा इस तरह से लोई के लिए निकाल लेना है, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है। तो इसको लोई को हम हाथ से ऐसे ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर से इसके एंड्स बना लेंगे। तो हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल पराठा बेलते हो सेम उसी तरह आपको इसे बेलना है। इसमें स्टफिंग भरी है तो आप इसे बहुत पतला मत करिएगा, एकदम हल्का सा इसे हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि तो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची आना चाहिए इसका टेस्ट। तो ये हमारा एकदम पराठा बन कर गया है, बेल लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया था पैन को, तो हमने कर लिया है हीट और ऑयल हल्का सा लगा दिया है। स्टार्टिंग में आपने इसे हाई फ्लेम में पकाना है ताकि अच्छे से ऊपर से गर्म हो जाए और क्रिस्पी सा। दोनों साइड से आपको इसे हाई फ्लेम में अच्छे से इस तरह से तेल लगा के अच्छे से बना लेना है। आपको पराठे को इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। हम दोनों साइड से ढेर सारा इसमें लगाएंगे ये मस्टर्ड ऑयल, मतलब कि सरसों का तेल, 1-1 चम्मच दोनों साइड में होना चाहिए। अच्छे से ये सॉफ्ट से बनते हैं। जब आपके पराठे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब कि सुनहरे हो जाए, तो आप अपनी फ्लेम को सिम कर लीजिएगा। अब हम इसे धीरे धीरे आँच में अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, मतलब कि हमारे पराठे हल्के हल्के पक चुके हैं। तो बस आपने इसे इस तरह से दबा दबा के पकाने हैं। इससे आपके पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और अंदर की जो स्टफिंग है वो अच्छे से पक जाती है, कच्ची नहीं रहती है। इस तरह से आप दबा दबा के बनाएगा तो ये हमारे पराठे बन करके हो गए एकदम रेडी क्रिस्पी टेस्टी से। तो इस ठंडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, बाय बाय।